चलें अब 24 सितंबर 2023 के अव्यक्त मुरली के आधार से प्रसन्न बनाने वाले प्यारे बाप दादा के साथ योग करेंगे। ओम शांति। मैं आत्मा बिंदु स्वरूप हूं, प्रभु की याद में स्मृति स्वरूप हूं, दिल से बाबा को याद करते करते बाबा के पास उड़ चली हूं। बाप दादा मुझे शक्तिशाली दृष्टि दे रहे, योग की यात्रा पर ले जा रहे हैं, मुझे एक अति सुंदर सागर का दृश्य दिखा रहे हैं। इस सागर का मनमोहक नजारा, सूरज की सुखद किरणें, लहरें, पंछियों के मधुर गीत, सुखद कोमल हवा, सबका आनंद ले रही हूं। जैसे सागर बेहद है, अनंत है, वैसे मेरे बाबा भी प्यार के सागर हैं, अति श्रेष्ठ हैं, ऊंच है। वे मुझ आत्मा को इतनी प्राप्ति कराते हैं जो सारे कल्प में और कोई भी आत्मा इतना करा नहीं सकती, जिनको मैं अनेक जन्मों से ढूंढती आई हूं। वे मुझे अब इस संगम पर मिल गए। मेरे दिल से निकल रहा है जो पाना था वो पा लिया। अप्राप्त नहीं कोई चीज मेरे खजाने में, मैं सर्व खजानों से सुसंपन्न हूं, अविनाशी हूं। मेरे बाबा भी अविनाशी हैं, उनके द्वारा मिली प्राप्तियां भी अविनाशी हैं। सर्व प्राप्तियों से संपन्न मैं आत्मा अति प्रसन्न हूं, सदा प्रसन्न हूं। मेरे चलन और चेहरे से भी निरंतर प्रसन्नता दिखाई देती है। मैं प्रसन्नता का दिव्य स्वरूप, ईश्वरीय प्राप्तियों से मैं भरपूर हूं, खुश हूं। तन की बीमारी में भी मेरी ये खुशी ईश्वरीय प्राप्तियां और आत्मिक स्थिति
बहुत मदद कर रही है। मेरा तन भी जल्दी स्वस्थ हो रहा है। बाबा के वरदानी हस्त से निकल रही दिव्य किरणें मेरे तन की बीमारी को खत्म कर रही। मैं हिसाब किताब खुशी खुशी से चुकता कर रही हूँ। मैं इस बात पर भी ध्यान दे रही हूँ कि शरीर के लिए क्या देना है, कब देना है, क्या नहीं देना है, स्वास्थ्य का ख्याल कैसे रखना है, क्योंकि ये शरीर ईश्वरीय सेवा का साधन है। मैं तो इस शरीर की ट्रस्टी हूं। ट्रस्टी होके, साक्षी होके शरीर रूपी रथ का पूर्ण ध्यान दे रही हूं। बाबा की दिव्य किरणें इस शरीर के हर कण कण को स्वस्थ बना रही है। सिर से लेकर पांव तक हर कण में दिव्य प्रकाश की ऊर्जा, हीलिंग एनर्जी का अनुभव कर रही हूं। इतना प्यार और शक्ति देने वाले बाबा के प्यार में मैं समाती जा रही हूं। सर्व प्राप्तियों से भरपूर कराने वाले बाबा की शक्तिशाली याद की सीट पर अच्छी तरह से सेट हो गई। मेरे मन की एकाग्रता और दृढ़ता में भी शक्ति आ गई। मेरे मन को अपूर्ण रीति कंट्रोल और ऑर्डर में रखकर स्थिरता से निरंतर गहरा योग कर पा रही, निरंतर समर्थ योग से मैं सच्चा डायमंड बन गई हूं। मेरा जीवन हीरे तुल्य है। मेरे इस हीरे तुल्य जीवन से बाबा सहज ही समर्थ सेवाएं करा रहे हैं। बाबा ने इस राज का भी प्यार से एहसास कराया कि सेवा जो स्वयं को व दूसरों को डिस्टर्ब करे वो सेवा सेवा नहीं, स्वार्थ है। मैं आत्मा पाप समान सच्ची सेवाधारी हूं, निस्वार्थ सेवाधारी हूं, मिलनसार सेवाधारी हूं, मास्टर प्यार की सागर हूं, सबको सुख देने वाली सेवाधारी हूं। माया के सर्व प्लान से बचकर रहने वाली हूं मैं, फुल अटेंशन में रहने वाली हूं मैं, मास्टर सर्वशक्तिवान, माया जीत जगत जीत आत्मा हूं।
हर विपरीत परिस्थितियों में भी प्रसन्न रहने वाली आत्मा हूं मैं। पाप मिला, सब कुछ मिल गया है, किसी भी बात की चिंता अब नहीं रही है मेरे जीवन में, मेरी स्मृति में, मेरे चलन और चेहरे में भी सदा प्रसन्नता दिखाई देती है। मैं बाप को प्रत्यक्ष करने वाली आत्मा हूं, मैं सफलता पाने वाली भाग्यवान आत्मा हूं, बाप के समीप हूं, बाप दादा के स्नेह में समाती जा रही हूं। ओम शांति शांति शांति।